बैटरी का फायदा ये है कि हमारी बैटरी होती है ना वो ऑडियो की वजह से बहुत जल्दी ड्रेन होती है जी। लेकिन अल्टरनेटर जो होता है आपका स्टॉक तो उसको उसी हिसाब से चार्ज करता है, ठीक है। लेकिन ड्रेन जल्दी हो रही है, चार्ज कम हो रही है। बैटरी के बाद क्या मैं कोई बैटरी भी बड़ी करूंगा, लिथियम भी लगाऊंगा, इंडियो में प्रॉपर दिखाऊंगा, समझ लेना। और देखो मैं किसी की भी ना ये रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप अपने आप कराओ, कोई होशियार से अपने ऐसे भैया देख लेना जो इसको काम को सही कर पाए। ये है अपनी 50 mm की वायर और थिम्बल, तो ये देख लो भाई, ये है 75 mm वाला तार। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज की वीडियो में। आप लोगों को पता है भाई, मैं इस वक्त अपनी गाड़ी में बैठा हूँ, मेरी गाड़ी है स्विफ्ट डीजल 2017 मॉडल। और यार मेरी गाड़ी में ना काफी सारा म्यूजिक सिस्टम हो गया, देखो यहाँ पे 5290 लग चुका है, यहाँ पे DSP लग चुका है, पीछे काफी सारे एम्पलीफायर है। तो भाई अब ना मेरी गाड़ी को मैं क्या हो रहा है, प्रॉब्लम आ रही है पावर की, यार पावर नहीं मिल रही मेरे को जितनी इनको पावर देनी है। तो पावर देने के लिए भाई हमारे पास सबसे फर्स्ट स्टेप होता है अपना बिग थ्री की वायरिंग। बिग थ्री में क्या होता है भाई, अपना या तो आप 50 mm या तो 70 mm, फिर अगर आपका बजट कम है तो 35 mm, दो तीन तरीके की वायर आप लगा सकते हो। मैं जो वायर यूज कर रहा हूँ पैरामाउंट की कर रहा हूँ। बाकी स्टार्ट करते अपनी वीडियो को और दिखाते कैसे कैसे काम होता है और कैसे कैसे बिग थ्री होती है प्रॉपर। मैं दिखाऊंगा आपको, यूट्यूब पे प्रॉपर वीडियो नहीं मिलेगी कैसे होती है, लेकिन मैं दिखा देता हूँ आज। ये है अपनी 50 mm की वायर और थिम्बल। लो भाई पकड़ो, कर दो काम को, हम आप लोगों को दिखाऊंगा बिग थ्री होती कैसे है। ये बहुत कम लोग दिखाते हैं, लेकिन आज मैं दिखाऊंगा प्रॉपर वायरिंग कैसे होती है। मेरी स्विफ्ट है डीजल की 2017 मॉडल। ये रहा इसका अल्टरनेटर और ये रही अपनी छोटी सी बैटरी जो कि स्टॉक है। अब क्या है भाई, मेरी गाड़ी में ना 2500 mAh के एम्प लगे हुए हैं, हैवी वूफर है, हैवी म्यूजिक सिस्टम है। अब अल्टरनेटर भाई है भाई, स्टॉक चीज़ होती है तो उसको जो संभाल लेता है। अब जब ज़्यादा पावर चाहिए तो भाई ज़्यादा पावर के लिए हमें बढ़ानी पड़ेगी थोड़ी सी पावर। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट अल्टरनेटर से करंट देंगे अपना बैटरी को, जिसकी वजह से क्या बैटरी ज़्यादा चार्ज होगी और जो है परफॉर्मेंस ज़्यादा देगी। क्यों जी ऐसी उस्ताद? हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल। एक बार समझा दो बिग थ्री में हम क्या करते हैं। बिग थ्री में यही है कि तीन जगह कनेक्ट करते हैं इसको, एक तो अल्टरनेटर से और दो अर्थिंग जाती है, एक इंजन की अर्थिंग एक बॉडी की अर्थिंग जाती है, ठीक है, जिससे करंट का फ्लो बहुत अच्छे से हो पाता है जी और बैटरी जल्दी डाउन नहीं होती है। वायर सही लेके आया हूं मैं, वायर बता दो एक बार। वायर बढ़िया है, 50 mm की लाए, इन फ्यूचर भी जरूरत पड़े तो हैवी ले आया मैं पहले। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, एक नंबर का है तार। और ये पॉलीकैप से भी अच्छा वायर है, इसमें वो दोनों मिक्स है, ये देखो ना, ये देखो भाई प्रॉपरली इस पे लिखा होगा आपका, पैरामाउंट कंपनी की केबल है, आप 50 mm की लगाना। मेरे में तो 50 mm लगी है और आप 70 mm भी डाल सकते हो इसके अंदर, दोनों ही आप इसमें जो है यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे कटिंग होनी स्टार्ट हो गई, बहुत मोटा हो गया था वैसे। 50 mm 50 mm बहुत है या फिर 35 mm? 75 mm इतना मोटा हो जाता है कि फिर वो बुरा लगता है, बुरा लगता है। मैं दिखा देता हूँ ना, 75 mm मेरी गाड़ी में रखी है। सो आई विल शो यू द वायर ऑफ 75। तो ये देख लो भाई, ये है 75 mm वाला तार। तो भाई ये तो जाएगा अगर तुम्हें बहुत एंड जाना है। अब ये देख लो भाई, ये है अपना 50 और ये है 75, दोनों ही वायर देख लो कितने कितने भारी हैं। बाकी इन डीप ये पूरी वीडियो रहने वाली है, पूरी वीडियो के साथ बने रहना। इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया, धीरे धीरे आप लोगों को बीच बीच में दिखाता रहूँगा। और फिर आप लोगों को ना रात को इस्तेमाल करके अच्छे से ये भी बताऊँ, कुछ फ़र्क पड़ा नहीं पड़ा। ये वाला तार कहाँ लगेगा? ये वाला बैटरी से जाएगा उस पर, क्या कहते हैं, अल्टरनेटर से जाएगा बैटरी पे। तो भाई ये वाला तार जाएगा तुम्हारा बैटरी से यहाँ से और सीधा यहाँ अल्टरनेटर पे। और ये जो दूसरा बना रहे हो अब, ये छोटा सा, ये बॉडी में जाएगा, इसको ग्राउंड बोलते हैं, अर्थ वाला जो होता है। एक बॉडी का अर्थ है और एक इंजन का अर्थ है भाई, एक बॉडी का अर्थ जाता है इसमें, एक इंजन का अर्थ जाता है। देखो भाई वीडियो में प्रॉपर दिखाऊंगा, समझ लेना। और देखो मैं किसी की भी ना ये रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप अपने आप कराओ, कोई होशियार से अपने ऐसे भैया देख लेना जो इसको काम को सही कर पाए। सही बात है जी, अपने आप कभी लगो मिस्त्री बनो, उस चीज़ का फायदा नहीं है। सिर्फ मैं वीडियो आपको दिखा रहा हूँ इन्फॉर्मेशन के प्रोस्पेक्टिव से, आप लोग भाई कोई भी ना खुद से कोशिश मत करना। सही बात है भाई, कभी खुद से करो, फायदा क्या है भाई, कभी नुकसान हो जाए। क्योंकि भाई ये बिग थ्री ना थोड़ा सा ऐसा नहीं है कि भाई इसके सारे एडवांटेज है, डिसएडवांटेज भी हैं कुछ। जैसे आपकी बैटरी थोड़ी ओवरहीट होगी अगर आप पावर यूज़ नहीं कर रहे, सिर्फ बैटरी चार्ज हुए जा रही है, चार्ज हुए जा रही है तो ओवरहीट भी हो सकती है। तो थोड़े से ये भी आपके जो है इसके रहने वाले हैं, बाकी वैसे सारे प्रोज हैं, कौन से ज़्यादा नहीं है। सो अभी धीरे धीरे चल ही रहे इंस्टॉलेशन। तो अपना एक जो तार है अल्टरनेटर से, इधर देख सकते हो, इधर फिट हो रहा है और ये पूरा ऐसे निकल के नया सा तार देख सकते हो, ऐसे घूम के ये वाला आ गया। अब दूसरा वाला जो वायर है वो भी आपको दिखाऊंगा। ये प्लस से प्लस पे आया ना, अल्टरनेट के, अल्टरनेटर के प्लस से, ठीक है जी भाई, अल्टरनेटर के प्लस से आपका यहाँ पे आया है। अब दूसरा लगेगा वो दिखाता हूँ आपको। फाइनली बाबा का नाम लेके जैसे ही शाम करते हैं गाड़ी को, इग्निशन ऑन हो चुका है अपना, काम सेटअप स्टार्ट, ठीक है जी भाई, फाइनली स्टार्ट हो गई है गाड़ी। क्या भाई, बहुत बढ़िया। तो भाई ये हो गया चार स्टार्ट, देखते हैं कोई वायर गर्म तो नहीं हो रही। तो
तो भाई लोगों अपना जो बिग थ्री का काम था वो पूरा हो चुका है। राम राम जी। राम राम। कैसे हो? बहुत बढ़िया, बताओ। बहुत बढ़िया। तो अब मोटी मोटी बात कर लेते हैं। अब मुझे सबसे पहले बस ये बता दो कि बिग थ्री का फायदा क्या है। बिग थ्री का फायदा ये है कि हमारी बैटरी होती है ना, वो ऑडियो की वजह से बहुत जल्दी ड्रेन होती है जी। लेकिन अल्टरनेटर जो होता है आपका स्टॉक, तो उसको उसी हिसाब से चार्ज करता है। ठीक है। लेकिन ड्रेन जल्दी हो रही है, चार्ज कम हो रही है। हाँ जी। तो बिग थ्री क्या है, फोन में फास्ट चार्जर होता है ना, ऐसे बिग थ्री बैटरी को फास्ट चार्ज करते हैं। जितनी जल्दी ड्रेन होती है उतनी जल्दी चार्ज हो जाती है। ये काम है बस। और एक बार वायरिंग का सर्किट बता दो, कैसे कैसे होता है वो? तो हमारी करने की चीज है, वो बताने की चीज नहीं है। ठीक है जी, थोड़ा बहुत मैंने दिखा दिया भाई है। दिखा भी दिया होगा, गूगल पे आप कर लो, आपको सब चीज पता लग जाएगी। बिल्कुल। यूट्यूब पे हर चीज अवेलेबल है। वही वाली बात है, अगर सब चीज ही बता देंगे तो आपके पास क्या रहेगा? यूट्यूब पे सब चीज पड़ी हुई ऑलरेडी। बिल्कुल बिल्कुल। सो भाई ये था बिग थ्री का अपना फायदा। अब मैं बात करता हूँ कि इसका नुकसान क्या होगा। इसका नुकसान कुछ भी नहीं होता। पक्का? कई लोग कहते हैं बैटरी फुल जाती है, ये होता था, तो कुछ नहीं होता। कुछ भी नुकसान नहीं है, सारी चीजें तो मैं बता दी, कुछ भी नुकसान नहीं है। अब आप लोगों को मैं सुनाऊंगा आउटपुट में क्या फर्क पड़ा है। अब मैं यहाँ से निकलता हूँ, फिर मैं आप लोगों को सुनाता हूँ और वहीं पे करेंगे अपनी वीडियो को एंड। सो भाई लोगों अब मैं निकल चुके भाई के पास से बिग थ्री वगैरह करा के। अब मैं आप लोगों को एक बार आउटपुट सुनाता हूँ, कैसा आपको आउटपुट लग रहा है। और इसके अंदर भाई डीएसपी वगैरह भी इंस्टॉल हो गया, उसकी वीडियो एक प्रॉपर अलग से है, और अपना ये जो हुआ इसकी अलग से। अभी मैं आपको सिर्फ जो इसका फर्क आया इसके सुना दो भाई, चला फटाफट। आप लोगों ने आउटपुट सुन लिया होगा भाई, मैं सच्ची बोल रहा हूँ कि भाई बैटरी स्टार्ट होने में भी, गाड़ी इनिशियल में भी बहुत अच्छा तो आउटपुट हो गया है। और प्रॉपर ना हर चीज को पावर मिल रही है, प्रॉपर वोकल दे रही है, प्रॉपर बेस दे रही है, सारे हमको जितनी पावर चाहिए थी उनको मिल रही है। इसके बाद भाई बिग थ्री के बाद क्या, मैं कोई बैटरी भी बड़ी करूंगा, लिथियम भी लगाऊंगा इन केस ऑफ फ्यूचर। इसीलिए मैंने 50 mm का वायर ऑलरेडी डलवा लिया था कि भाई इन फ्यूचर को सोच के मैं चल रहा हूं, तो भाई ये मेरा हमेशा काम आएगा। सो आप लोग भी करवा सकते, कोई भी नेगेटिव नहीं है, सारे पॉजिटिव ही है। बाकी आज वीडियो के वीडियो अच्छी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कोई भी करे तो कमेंट करके पूछना। इंस्टाग्राम @ReshabChaudharyVlogs, यूट्यूब आप देख ही रहे हो, वीडियो को फटाफट लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, जब तक के लिए बाय 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 बाय।